हेलो, नमस्कार दोस्तों। 25 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। इससे पहले आपको मेरी तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है मेंटल डिसऑर्डर। देखो, मेंटल डिसऑर्डर को मेंटल इलनेस के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है मेंटल डिसऑर्डर? मेंटल डिसऑर्डर का देखो मत एक ये बहुत ही बड़ा आप एक तरीके से वर्ड इसको समझ सकते हो। एक तरीके से मतलब वाइड रेंज है इसकी, कई तरीके इसके मीनिंग है वो निकल जाते हैं। एक तरीके से जो दिमाग की संतुलन है वो सही नहीं रहता है इसमें। जैसे कि इंसान का मूड है वो चेंज होता रहता है, काफ़ी बार इंसान की थिंकिंग चेंज हो जाती है, इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। तो इस तरीके से मेंटल डिसऑर्डर को क्लासीफाई है या डिवाइड है वो किया जाता है। मतलब इसमें जो इंसान का बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, इसी को लेकर फिर मेंटल डिसऑर्डर को जाना जाता है। न्यूज़ क्या आई है वो हम देखते हैं। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ ये आई है कि अभी हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनकी ICMR है वो, और इसी के साथ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक रिसर्च और स्टडी है वो की, और उसमें ये सामने आया कि साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। और एक रिपोर्ट भी बनाई गई जिसका नाम है बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1992-2017। तो सर, फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्या सामने आया है कि साउथ इंडिया के अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर है वो कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया ज़्यादा देखने को मिला है। इसी के साथ ही हर 7 में से एक इंडियन है उसको कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर से वो इफेक्ट है, 2017 के डाटा के मुताबिक ये बात यहाँ पर की गई है। अब बात ये आती है कि भाई लोगों में जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऐसी प्रॉब्लम साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को क्यों मिली है, क्या इसका रीज़न है? तो देखो, एक स्टडी से ये पता चला है कि जो ऐसे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है या फिर एंजाइटी जैसी डिसऑर्डर, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता या फिर आप बोल सकते हो डर, भय, ये देखो इसलिए साउथ इंडिया में देखने को ज़्यादा मिले हैं कि साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन है वो काफ़ी तेज़ी से है। मतलब बहुत रेपिडली ग्रोथ हुई है, सडन ग्रोथ हुई है, इसकी वजह से लोग उसको ढंग से समझ नहीं पाए और उसी की वजह से जो यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है साउथ इंडिया में वो ज़्यादा देखने को मिली है। तो इस रिपोर्ट का आप यूज़ कर सकते हो या UPSC इसके बारे में पूछ भी सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है जीरो डे वनरेबिलिटी के बारे में। देखो, जीरो डे वनरेबिलिटी है ये किस रिलेटेड है, तो UPSC डायरेक्टली इसी तरीके से पूछ सकती है कि ये वर्ड आजकल न्यूज़ में था, किस रिलेटेड वगैरह है। तो ये जो वर्ड है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये आप एक फैक्ट ध्यान में रखना। होता क्या है, देखो जब कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे आप एग्जांपल ले लो फेसबुक का ही, कि फेसबुक की कंपनी ने फेसबुक का क्या है एप्लीकेशन बनाया, आपको पता है कि फेसबुक भी धीरे धीरे अपडेट देता रहता है कि भाई आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए, और आप जब आप अपडेट की डिटेल में देखोगे तो वहाँ पर ये मैंशन होता है कि जो बग्स हैं इनको ठीक किया गया है। मतलब जो प्रॉब्लम थी, कई काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, कई अपडेट हैं वो लाए गए हैं, इसी तरीके से उनको अपडेट है वो किया जाता है। तो बग्स का क्या मतलब हुआ कि सॉफ्टवेयर में कुछ कमी वगैरह रह गई है उनको ठीक करना। जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या करती है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए किसी कंपनी ने तो उसमें कुछ बग्स वगैरह रह गए, और वो बग्स क्या करते हैं, यानी जो उन्होंने थोड़ी बहुत या बोल सकते हो कि कमी रह गई, वो कमी क्या करती है, एक तरीके से जो भी साइबर क्रिमिनल होते हैं उनको एक रास्ता दे सकती है कि वो एप्लीकेशन में सेंध मार सकें। तो इसी को शो किया जाता है जीरो डे वल्नरेबिलिटी के तहत कि भाई कोई भी साइबर अटैकर है वो अटैक कर सकता है उस एप्लीकेशन पर। तो एक तरीके का जीरो डे जो एक्सप्लोइट है वो एक साइबर अटैक है जो कि सेम डे होता है, एक तरह हम बात करें कि जब भी सॉफ्टवेयर को डिस्कवर किया गया है उसकी कमी को उजागर कर देता है। देखो होता क्या है, जब भी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है ना, तो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद वो इसके ऊपर रिसर्च करती हैं काफ़ी सारी तरह तरह की, कि भाई इस पर एक तरीके से अटैक वगैरह हो सकता है, नहीं हो सकता, और कंपनियां उस पर साइबर अटैक अपने लेवल पे करवाती हैं पहले। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हायर जो होते हैं हैकर वगैरह साइबर सिक्योरिटी के, उनको हायर करके कंपनी खुद ही सॉफ्टवेयर पर अटैक करवा के देखती है कि कहीं सॉफ्टवेयर पर अटैक होना पॉसिबल है या नहीं है, अगर अटैक हो रहा है तो कैसे इसके लूप होल को दूर किया जा सकता है। बट देखो, कोई ना कोई कमी रह जाती है तो उसके थ्रू साइबर अटैकर अटैक कर सकते हैं कोई बाहर का जो कि नुकसान पहुंचा सके, तो उसी को यहां पे शो किया गया है जीरो डे वल्नरेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हुनर हाट के बारे में। देखो, तो हुनर हाट है वो एक एग्जीबिशन है, एक तरीके का एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी। और इस प्रदर्शनी में क्या होता है कि जो हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं उनकी सेलिंग वगैरह है वो भी होती है। अब होता क्या कि हमारे देश में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ के हैंडीक्राफ्ट आइटम काफ़ी पॉपुलर होते हैं, तो उन्हीं की प्रदर्शनी होती है हुनर हाट में, इन एक तरीके की प्रदर्शनी लगाई जाती है पहले, और फिर वहाँ पे जो उनके आइटम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम हैं, उनको बेचा भी जाता है ताकि देश विदेश से जो भी लोग आते हैं वो वहाँ उनके प्रोडक्ट को खरीद सके। अभी हुनर हाट जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा।
देखो था क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था उस्ताद। उस्ताद का मतलब था अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट और डेवलपमेंट स्कीम। ये डेवलपमेंट जो उस्ताद स्कीम थी ना, ये इसलिए लाई गई थी कि भाई जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उनकी जो स्किल है इनको डेवलप किया जा सके और वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए जिनकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो और वो एक अपनी जो आजीविका है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं स्किल के थ्रू उन प्रोडक्ट को हुनर हाट में प्रदर्शनी पे लगाया जाता है, फिर उन्हीं को सेल है वो किया जाता है ताकि वो अच्छे खासे पैसे हैं वो कमा सकें। उस्ताद स्कीम का मोटो क्या है मैंने आपको बताया अभी, कि जो भी हेरिटेज है उनका ट्राइबल एरिया का उनको प्रमोट करना, उनके जो भी कल्चर को प्रमोट करना, उनके हेरिटेज या उनको कल्चर को कंजर्व करीब रखना है, उनकी जो भी ट्रेडिशनल आर्ट है क्राफ्ट है माइनॉरिटी कम्युनिटी की उनको प्रिजर्व करना प्लस प्रमोट करना, दोनों ही चीज़ों पर फोकस है वो रहता है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है कि भाई हुनर हाट जो प्रोग्राम है इसके थ्रू आगे आने वाले लगभग 5 सालों में कम से कम 1 लाख लोगों या लाखों लोगों को, कोई फिक्स संख्या नहीं रखी है कि भाई 1 लाख है 2 लाख है, लाखों लोगों को जो भी आर्टिसन है क्राफ्टमैन है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम के उनको स्किल प्रोवाइड करवाई जा सके और इंटरनेशनल लेवल पर वो एक अच्छी वैल्यू है वो प्रोवाइड करवाई जा सके, इसके लिए हुनर हाट प्रोग्राम का आयोजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है स्पंदना इनिशिएटिव के बारे में। स्पंदना का मतलब होता है रिस्पॉन्स। ये जो इनिशिएटिव है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, किस लिए, महिलाओं की सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए या महिलाओं को एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है। होगा क्या, इस इनिशिएटिव में जो भी पुलिस स्टेशन होंगे उनको और ज़्यादा अप्रोचेबल बनाया जाएगा पब्लिक के लिए, मेनली फोकस रहेगा वुमेन पे। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यूपीएससी से आपको स्टेटमेंट दे दें कि ओनली फॉर वुमेन्स के लिए उनको ज़्यादा अप्रोचेबल बनाया जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, सभी के लिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन अकेले महिलाओं के लिए नहीं सभी के लिए है, तो बस महिलाओं के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा कि हाँ भाई उनको प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाए जा सके। मोर अप्रोचेबल का क्या मतलब हुआ कि वहाँ पर अगर कोई भी महिला जा रही है या कोई भी पर्सन जा रहा है तो उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए, उसके साथ अच्छे से बिहेव किया जाए और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाए, मतलब ईजिली वहाँ पर अप्रोच लगाया जा सके, उन्हें ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े। ये देखो जगह जगह गवर्नमेंट सेंटर भी बना रही है वहाँ पे स्पंदना सेंटर, जिनका ये टारगेट रहेगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस वहाँ पे सेटअप किया जाए पुलिस स्टेशन पे, ताकि जो भी महिला है उसको कोई भी तरह की सपोर्ट की जरूरत हो हेल्प चाहिए हो वो उन हेल्प सेंटर से ले सकें। जो स्पंदना इनिशिएटिव के तहत जो भी पुलिस स्टेशन आएंगे या जो भी सेंटर आएंगे उनमें एक फीमेल रिसेप्शन को रखा जाएगा और वो वहाँ पे जो भी स्टाफ होगा उसको गाइडलाइन वगैरह अच्छे ट्रेंड रखा जाएगा, ताकि जो भी कोई इशू आ रहा हो वुमेन विक्टिम के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आ रही हो तो उसको अच्छे से हैंडल किया जा सके और इस इशू को और ज़्यादा फोकस करते हुए आगे हायर अथॉरिटी के पास ट्रांसफर है वो किया जा सके, ये रखा गया है स्पंदना इनिशिएटिव। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको आप वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो कहीं, या फिर एक आप गवर्नमेंट को कहीं सजेशन वगैरह देना हो वहाँ पे इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO है उसके द्वारा देखो अभी सक्सेसफुली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का एक्सपेरिमेंट है वो किया गया है। कहाँ पे, उड़ीसा कोस्ट पे। देखो ये जो मिसाइल है वो आकाश मिसाइल को एक तरीके से रिप्लेस करने के लिए तैयार है वो की गई है और इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी लगभग 25 से 30 किलोमीटर और ये 360 डिग्री एरिया को कवर करने वाली है। मतलब जैसे ये एक मिसाइल यहाँ से लॉन्च की जा रही है तो इसके लगभग 25 से 30 किलोमीटर की जो रेडियस है इसमें अगर कोई भी तरह का अटैक वगैरह होता है तो उसको यह काउंटर करने में कैपेबल है वो रहने वाली है। इस मिसाइल को सरफेस से लॉन्च किया जाएगा और एयर में यह अटैक है वो करने वाली है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस टू एयर, मतलब सरफेस से लॉन्च किया जाएगा और एयर के अंदर जो भी जैसे कोई दूसरी मिसाइल किसी ने अटैक की हो इंडिया पे वगैरह पे तो उसको काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया है। इसमें जो फ्यूल है वो यूज़ किया जाएगा, सॉलिड फ्यूल है वो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। रेंज जैसा मैंने आपको बताया 25 से 30 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है वो रहने वाली है। इसी के साथ ये जो मिसाइल है वो कैपेबल रहेगी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की। लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का मतलब काफ़ी कम हाइट पे, जैसे ये हमारी अर्थ की सरफेस हो गई तो इससे काफ़ी कम हाइट के ऊपर से कोई यहाँ पे उड़ रहा है कोई प्लेन हो या फिर कोई मिसाइल हो उसको काउंटर करने में भी है कैपेबल रहेगी। मतलब कि लो लेटीट्यूड के ऊपर भी है सक्सेस, लो जो एल्टीट्यूड होता है सॉरी वहाँ पर भी अच्छे से काम करने में कैपेबल रहने वाली है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है माइक्रो डॉट्स के बारे में। देखो न्यूज़ यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है कि भाई जो भी व्हीकल हमारे देश में यूज़ किए जाते हैं इनमें माइक्रो डॉट आइडेंटिफायर्स का यूज़ है वो किया जाए। अब बात कहते हैं कि माइक्रो डॉट्स होते क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो यह एक टेक्नोलॉजी है, क्या काम करती है टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का मेनली फोकस ये रहता है कि जो भी किसी ये मान लो कि किसी बॉडी बॉडी पार्ट नहीं एक तरीके से बोलते हो कोई भी व्हीकल का कोई पार्ट है, जैसे कि ये मान लो कोई कार है
इसके किसी कार्ड पार्ट पे अगर माइक्रो डॉट्स के थ्रू पेंटिंग की जा रही है या पेंट किया जा रहा है तो होगा कि काफ़ी सूक्ष्म, या आप बोल सकते हो कि बहुत माइक्रो लेवल पे पेंटिंग है, पेंट है वो किया जाएगा एक तरह से माइक्रोस्कोपिक डॉट के फॉर्म में। तो वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो प्रोवाइड करवाएगी व्हीकल को कि भाई अगर चोरी भी हो जाए तो उसको आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि भाई ये जो पेंट है ये तो इस लेवल का है, इसमें ये व्हीकल की इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी डिटेल रहेंगी, तो उसको चोरी करना ईजी नहीं रहेगा। अगर किसी ने चोरी कर भी लिया तो उसके अगेंस्ट एक्शन है वो लिया जा सकता है। व्हीकल का देखो कोई भी पार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि व्हीकल में एक पार्ट तो होता नहीं है, काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि व्हीकल्स वगैरह के चोरी करके उनके पार्टों को मार्केट में बेच दिया जाता है। तो इस टेक्निक से क्या होगा, व्हीकल के जो भी पार्ट हैं उन पे जब भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो उन पे माइक्रो डॉट्स की पेंटिंग कर दी जाएगी। माइक्रो डॉट्स क्या होंगे, व्हीकल की सारी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से व्हीकल ओरिजिन हुआ है, कौन सी कंपनी से बनाया गया है, कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, सारी इन्फॉर्मेशन माइक्रो डॉट के थ्रू पेंटिंग में जो पेंट के थ्रू है वो वहाँ पर पुट कर दी जाएगी हर पार्ट पे। अगर व्हीकल को चोरी कर लिया गया तो आराम से उसको ट्रैक किया जा सकता है कि हाँ भाई ये तो इसी मतलब इस कंपनी से बिलोंग करता है, इसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट या कहीं ना कहीं मतलब इसको धांधलेबाजी की गई है। अब उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा माइक्रो डॉट्स को, जैसे कि किसी का व्हीकल चोरी हो गया, तो इसके लिए देखो माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाएगा फिजिकली, या फिर हम बात करें जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है इनकी हेल्प से माइक्रो डॉट्स को पढ़ा जा सकता है कि भाई ये कौन सा व्हीकल है, कहाँ से इसका ओरिजिन वगैरह हुआ हुआ है। तो इससे व्हीकल की जो चोरी वगैरह होती है इस पर लगाम है वो लगने वाली है। होगा क्या कि माइक्रो डॉट्स हैं इनको परमानेंटली कोई भी प्रोडक्ट होगा उसकी सरफेस पे चिपका दिया जाएगा पेंट के थ्रू। अगर उनको चिपका दिया गया एक बार तो देखो उनको वापस से उतारना पॉसिबल नहीं होगा, अगर उनको उतारना है तो ये जो भी प्रोडक्ट है डैमेज हो जाएगा तभी वो उतर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनको रिमूव कर दो दोबारा दूसरे लगा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब वापस अगर इसको रिमूव करना है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ डैमेज करना होगा, तोड़फोड़ करनी होगी, तभी वो वापस से रिमूव किया जा सकता है। मतलब अगर एक बार आपने माइक्रो डॉट्स के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है यहाँ पे किसी भी पार्ट पे तो फिर उसको आप चेंज है वो नहीं कर सकते हो। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि जो व्हीकल की चोरी वगैरह होती है इसको यहाँ पे रोका जाएगा, और जो मार्केट में जो फेक स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं उनके ऊपर भी लगाम है वो लगेगी, आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये पार्ट ओरिजिनल है या नकली है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन को लेके। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो पॉलिसी है ये यूज की जाती है आरबीआई के द्वारा, किस लिए, मार्केट में जो लिक्विडिटी है इसको मैनेज करने के लिए। क्या लॉजिक होता है एक बार वो हम देख लेते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट है यानी कि जो आरबीआई है मेनली, वो मार्केट में अगर पैसे का इन्फ्लुएंस है लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करना हो तो इसके लिए रेपो रेट का यूज़ करती है, कैश रिजर्व रेशियो को यूज़ करती है, या फिर SLR स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो जैसे मेथड है इनका यूज है वो करती है। बट कई बार अगर डायरेक्टली उनको ज़्यादा हस्तक्षेप करना हो तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज और सेल करके भी मेथड को या बोल सकते हो कि लिक्विडिटी को मैनेज करती है। होता क्या है, जैसे मान लो कि आरबीआई ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीदा है, खरीदने का मतलब गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल ले लो सिर्फ कि गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपये की मान लो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो आरबीआई को सेल कर रही है, मतलब कि आरबीआई यहाँ पे क्या है कर रहा है, आरबीआई यहाँ पे खरीद रहा है। खरीदने का मतलब गवर्नमेंट है वो 10,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास क्या आएंगे, 10,000 करोड़ रुपये आने वाले हैं केस में, गवर्नमेंट के पास 10,000 करोड़ रुपए आएंगे और आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी चली जाएंगी। अब आपको पता है गवर्नमेंट के पास 10,000 करोड़ रुपए, इसका मतलब गवर्नमेंट उनको मार्केट में ऑब्वियसली इन्वेस्ट ही करने के लिए ले रही है, तो मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। यानी कि जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज की जाती है आरबीआई की तरफ से तब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, और जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आरबीआई सेल कर रही है मार्केट में, सेल करने का मतलब वापस गवर्नमेंट को दे रही है कि भाई आप अपनी जो सिक्योरिटीज इनको लो, इसका मतलब वो मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब है वो कर रही है। तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए कि कब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है कब मार्केट में लिक्विडिटी है वो घटती है। यानी कि आरबीआई एक बार आपको फिर बता देता हूँ, आरबीआई मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद रही है, खरीदने का मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी पैसे की, और आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना हो इसका मतलब वो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको वापस गवर्नमेंट को बेच देगी और अपने पैसे अपने पास खींच लेगी, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आरबीआई जो ओपन मार्केट पॉलिसी या ओपन मार्केट जो ऑपरेशन यूज़ करती है ये ऐसा नहीं है कि आम जनता के लिए होती है कि आम जनता गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में खरीदे वगैरह, नहीं, इसमें कॉमर्शियल बैंक है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि आम जनता है या पब्लिक है वो इसमें पार्टी डायरेक्ट डील है पार्टिसिपेट है वो नहीं करती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन वो है राइट टू वोट को लेके। आपको बताना है कि राइट टू वोट है वो कौन सा राइट है। पहला ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, दूसरा है नेचुरल राइट, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और चौथा है लीगल राइट। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 बार पूछा हुआ है, काफ़ी कॉन्ट्रावर्सी भी रही है इसको लेके, 2018 में भी ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था।
बट जो इसका सही आंसर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लाइट। काफ़ी बार आपको ये कई जगह मिलेगा कि नेचुरल लाइट है, कई जगह आपको मिलेगा फंडामेंटल लाइट है, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा लीगल लाइट है, बट राइट टू वोट है वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि भाई 18 साल से बड़ा कोई भी पर्सन है वो राइट टू वोट के तहत इंडिया में वोट है वो कर सकता है। अब एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मेंटल डिसऑर्डर रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने 0 डे वल्नरेबिलिटी के बारे में कवर किया जो कि एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, फिर हमने हुनर हाट प्रोग्राम के बारे में जाना, साथ ही हमने स्पंदना इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया जो कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन को फोकस करते हुए सेफ्टी के लिए लाया गया है। इसी के साथ हमने जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है उसे कवर किया, बाद में हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन और माइक्रोडोस जो टेक्निक है इसके बारे में कवर किया। तो फिलहाल की हमारे डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।